आपका 7 मंथ ही बैटरी वारंटी है। अभी रिसेंटली 1 सप्ताह हुआ है, 1 वीक हुआ है अभी बैटरी चढ़ाए हुए गाड़ी में, और गाड़ी का कंडीशन देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। तो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। और दोस्तों फिर से लेके आ चुके हैं दोस्तों एक बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी दोस्तों, और बैटरी वारंटी के साथ। और इसमें दोस्तों बहुत ही बेहतरीन गाड़ी मिल बैटरी मिल रहा है दोस्तों, 120 एम्पेयर का बैटरी मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत इंजीनियर कंपनी के साथ मिल रहा है आपको दोस्तों। इंजीनियर कंपनी का गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है, आप साइड में देख सकते होंगे। और कंडीशन तो बोले तो बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में है, कोई भी स्क्रैच नहीं है, उतना ओल्डिंग ओल्डिंग कुछ भी नहीं है, आप गाड़ी में देख सकते हैं, साइड में दिखा रहे हैं आपको। पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक गाड़ी में आपको फुल दिखाऊंगा, उसके बाद बात करूंगा कि गाड़ी का प्राइस क्या है, गाड़ी में कितना बैटरी है, कितना दिन बैटरी है, कितना महीना बैटरी है, और गाड़ी का उम्र कितना है, और गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा। सब वीडियो को एंड तक देखिए, और आपको बहुत ही अच्छा गाड़ी मिल रहा है आपको दोस्तों, इंजीनियर कंपनी का गाड़ी। यह कंपनी बहुत ही बेस्ट कंपनी है, क्योंकि यह कंपनी गाड़ी दोस्तों हल्का गाड़ी बनाता है, बहुत ही ज़्यादा भारी गाड़ी नहीं है। इसमें आप 100 एम्पेयर का भी बैटरी लगाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा माइलेज देगा आपको, माइलेज देने वाला गाड़ी इसे कहा जाता है दोस्तों, इंजीनियर कंपनी का गाड़ी है। और बहुत ही देखिए दोस्तों, आप लोग गाड़ी लेने वाले हैं तो आप ले लीजिए, यही एक मौका है अभी लेने का वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर वेस्ट बंगाल के बाहर भी आप रहते हैं, अगर वेस्ट बंगाल के अंदर भी रहते हैं तो यही एक मौका है, आप गाड़ी ले सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी मिलेगा, बैटरी वारंटी के साथ मिलेगा। क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल के अंदर एक हवा सा उठा है रजिस्ट्रेशन का, और बहुत सारे ऐसे जो ओनर है जिसके पास 5-6 गाड़ियां हैं, जिसका 4-5 गाड़ी चल रहा है, वो लोग अभी रजिस्ट्रेशन का चलते गाड़ी सेल कर दे रहा है। क्योंकि ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन करना भी लोगों को भारी पड़ता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का चार्ज आप 15 से 20 हज़ार रुपया करीब आप पकड़ के चलते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लग सकता है। अभी कोई कंफर्म नहीं है, कम भी लग सकता है, 10 हज़ार भी लग सकता है, पर एक अनुमान के अनुसार हम लोग 15 से 20 हज़ार पकड़ के चल रहे हैं। तो किसी के पास 5 गाड़ी है, किसी के पास 10 गाड़ी है, और वो भाड़ा में चलाता है, भाड़ा जो चलाता है वो तो अपना जो जिसका भाड़ा देने का है 200-300, जो सारा दिन का जो कमा के 200-300 रुपया देता है, उसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन 20 हज़ार ऐड कर दे, बैटरी ऐड कर दे, तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जा रहा है। इसीलिए मालिक अपना गाड़ी सेल कर रहा है, जो नया नया कंडीशन में गाड़ी है, जिसके पास 5 गाड़ी है, 6 गाड़ी है, वो लोग अभी सेल कर दे रहा है गाड़ी। तो अभी इसी टाइम आपका मौका का फ़ायदा उठाना है दोस्तों, और अभी ही गाड़ी लेना है, क्योंकि कंडीशन में आपको गाड़ी भी मिल जाएगा, बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा, कम से कम दिन का चला हुआ भी गाड़ी आपको मिल रहा है दोस्तों। मेरे और भी वीडियो से आप जाकर देख सकते हैं, और मेरे पास और भी गाड़ी अभी अवेलेबल है जो कम से कम दिन का चला हुआ है, बेहतरीन कंडीशन में भी है, वो सब गाड़ी भी है मेरे पास, आप कॉन्टेक्ट कीजिए। क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस कर देते हैं तो बाद में फिर आपको महंगा से महंगा गाड़ी मिलेगा, आपको कंडीशन में भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन कोई कर देगा तो वो गाड़ी आपका जो अभी जो रेट है उससे आपका डबल लगेगा, डबल तो नहीं लगेगा, कम से 20-30 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा चार्ज आपको ज़्यादा पड़ जाएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई हो सके तो सेल भी ना करे, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज चढ़ जाता है, उसके बाद गाड़ी का ओनर वो अपना मतलब आप जब गाड़ी उसका गाड़ी लीजिएगा तो बहुत ही उसमें दिक्कत भी पड़ेगा, क्योंकि नाम ट्रांसफ़र, ओनर ट्रांसफ़र, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र, बहुत सारे ऐसे दिक्कत होंगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन खुद का करवाना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारा अलग चार्ज आपका बैठ जाएगा, तो गाड़ी का जो कीमत है वो डबल हो जाएगा। इसी कारण आप लोगों को बोल रहे हैं अभी ही अपॉर्चुनिटी है, आप अभी गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी लेने के बाद आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको कम रेट में गाड़ी भी मिल रहा है और रजिस्ट्रेशन भी आपका खुद का एकदम पर्सनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इसमें बाद में दिक्कत वाली कोई चीज़ नहीं होगी, और अभी ही मौका है दोस्तों। तो दोस्तों बता दीजिए, जो गाड़ी है इंजीनियर कंपनी का गाड़ी, इसमें आपको बैटरी मिल रहा है दोस्तों, लिपगार्ड का बैटरी मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत 7 मंथ वाला बैटरी मिल रहा है, 120 एम्पेयर का बैटरी मिल रहा है, और गाड़ी आपका 7 मंथ ही बैटरी वारंटी है। अभी रिसेंटली 1 सप्ताह हुआ है, 1 वीक हुआ है अभी बैटरी चढ़ाए हुए गाड़ी में, और गाड़ी का कंडीशन देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में है, कोई भी स्क्रैच उतना नहीं है, ओल्डिंग भी नहीं है, आपको गाड़ी नीचे से आपको दिखा रहे हैं, पूरा फैक्स मतलब क्या बोलते हैं, पूरा फ्रेश गाड़ी है आपको, पूरा क्लियर गाड़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीन में भी नंबर शो हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी ये सब गाड़ी तुरंत निकल जाता है, आप लोग गाड़ी लेते हैं किंतु लेट कर देते हैं, इसमें क्या होता है गाड़ी जब निकल जाता है तो आपको फिर गाड़ी दूसरा लेना पड़ जाता है, जो आपको सहमति नहीं होता है, पर बजट आपके पास आ जाता है तो आपको गाड़ी कोई ना कोई लेना पड़ेगा ही, आज लीजिए, 10 दिन बाद लीजिए या 1 सप्ताह बाद लीजिए, आपको गाड़ी तो लेना है तो अभी लीजिए, अभी मौका का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इस टाइम आपको गाड़ी कम रेट में मिल जाएगा और गाड़ी बेहतरीन से बेहतरीन कंडीशन में भी मिल जाएगा, बैटरी वारंटी के साथ।
तो दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस आपको बता दें, ये गाड़ी का प्राइस आपको 70,000 लगेगा, 70,000 रुपये आपको लगेगा। मतलब 70,000 में आपको गाड़ी एकदम फुल कंडीशन में मिल रहा है, 7 मंथ बैटरी मिल रहा है आपको। मतलब बैटरी अगर आप लेने जाइएगा, अभी 7 मंथ वाला बैटरी लेने जाइएगा तो 15 से 20 हज़ार का करीब आपका खर्चा पड़ जाएगा 120 एम्पियर का। तो आपको अगर 20,000 हटा दे तो आपका गाड़ी का प्राइस आप बहुत ही कम पड़ जाता है। तो अगर आप विदाउट बैटरी वारंटी वाला लीजिएगा तो बैटरी आपको कभी ना कभी चढ़ाना पड़ता है, इसी कारण आपका फिर डबल खर्चा पड़ जाएगा। इसीलिए आपको बैटरी वारंटी के साथ आपको 70,000 में ये गाड़ी आपको मिल जाएगा। आइएगा तो 1-2 हज़ार रुपया कम बेसी हो जाएगा। अगर आप दूर में रहते हैं तो आपको जो ट्रांसपोर्ट खर्चा पड़ता है उसमें हम लोग कुछ मदद कर देंगे 1-2 हज़ार रुपया। बाकी आप लोकल में हैं तो 70,000 ही लगेगा आपको, 70,000 रुपये लगेगा। आप आते हैं तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब गाड़ी अभी जल्दी जल्दी निकल रहा है। अभी जो बाहर वाले झारखंड बिहार वाले हैं वो लोग ज़्यादातर ये गाड़ी सब ले जा रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि बिहार झारखंड में वो लोग जानता है रजिस्ट्रेशन होके कितना चार्ज लगता है। अगर आप नया गाड़ी लेने जाइएगा रजिस्ट्रेशन करके तो वहाँ पर 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। तो उसमें अगर 70,000 रुपया और 20,000 रुपया ऐड कर दीजिए तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको 80-90 में आपका हो जाएगा। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि अभी 20,000 लगेगा, हो सके तो हाफ भी लग सकता है, 15 भी लग सकता है, 10 भी लग सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन का होगा या नहीं होगा वो भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप ले सकते हैं गाड़ी। और भी गाड़ी है मेरे पास, कम लेवल का कम बजट का भी गाड़ी है, 40,000, 45,000, 50,000 का भी गाड़ी है। अगर आप जल्दी से कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी देखिए जैसे देवघर साइड में अभी जैसे अभी सावन का महीना है, वो लोग अभी ज़्यादा गाड़ी लेके जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो लोग समझ सकता है, वो लोग जानता है मुझे ये गाड़ी से कितना फ़ायदा है, तुरंत ये गाड़ी आ रहा है लेके जा रहा है। इसलिए गाड़ी आपको मौका मिलता है, आप लोकल में रहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए, और दूर में भी रहते हैं तो कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए गाड़ी रोक के रखूँगा। आप आ सकते हैं तो जल्दी से आइए और लेके जाइए दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को सस्ता से सस्ता गाड़ी मिल जाए और अच्छा से अच्छा कंडीशन में मिल जाए, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।